જે લાલન બાવાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વચનામૃત કરશે અને ત્યારબાદ પૂજ્ય પ્રજાધીશજી લાલન બાવા યમનાષ્ટકના સાતમા શ્લોકનું દર્શન કરાવી આપણને સૌને લાભાન્વિત કરશે. चिंता संतानांतारो यत्पादाम्बुजदेन्वा स्वयानांतान् निजास्तार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनुग्रहतो दन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमाम् सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम. अत्र विराजमान परम पूज्य पितृचरण एवं दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ. एवं आप सोवेशु आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है. क्या वर्तमान काल में दादा के मुखारविंद से श्री यमनाष्टक का रसपान कर रहे हैं? आज मैं आपको वर्तमान काल के विषय में एक सुंदर सा श्लोक सुनाऊंगा जो मेरे दादाजी ने मुझे आज सिखाया था. कते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः. अर्थात बुद्धिमान मनुष्य बीते हुए काल के शोक में काल में समय व्यतीत नहीं करते. भविष्य में क्या होगा यह चिंता नहीं करते. अपने वर्तमान काल को है श्रेष्ठ कर्मों से संवारते हैं. जैसे भविष्य स्वतः ही उत्तम हो जाता है. इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग आता है वो मैं आपको सुनाऊं. एक बार श्री गोकुलनाथ जी सब वैष्णवन के साथ सत्संग कर रहे थे. तो वही समय श्री गोकुलनाथ जी ने एक सब वैष्णवन को प्रसंग सुनाया. एक संत अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे हो तो वही समय तीन महिला जल की घाघर लेके जा रही थी. तो वो संत ने
शिष्यों को कहो कहो कि आगे वाली को छोड़, पीछे वाली को छोड़, बीच वाली को पकड़। तो वो बात सुन के वो महिला को तो गुस्सा आ गई। तो वो महिला ने कही के का आगे वाली को छोड़, पीछे वाली को छोड़, कौन की पकड़वे की बात कर रहा है। वही समय वो संत ने कही कि माता मैं तो यही कह रहा था, आप मेरी बात गलत मत समझो, मैं तो यही कह रहा था कि आगे वाली को छोड़ अर्थात भविष्यम नैव चिन्तयेत, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, पीछे वाली को छोड़ अर्थात गते शोको न कर्तव्यो, और बीच वाली को पकड़ अर्थात आज वर्तमान काल को पकड़ ले। तो इसलिए हमारे गुजराती वैष्णव कहते हैं आज नो लावो लीजिए री काल कौन सीढ़ी रे, आज नो लावो लीजिए रे काल कौन सीढ़ी रे। तो आज हमको नित्य नियम से श्री यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल करना चाहिए, परसों करना चाहिए, नरसों करना चाहिए, आज से ही हमको नित्य नियम शुरू करना है। आज से ही हमको सत्संग प्रारंभ करना है। तो बस दादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री वल्लभादि शक्ति जय, शिव साईं जी परम दयाल की जय। श्री वल्लभादि शक्ति जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री अमने महारानी की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोवम 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 न संश्रय यस्यानुकम्पावशदश्रुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तम् परमस्य पुंसः सर्वार्थदम् दीनदयालुमेकम् गोपाललालम् शरणम् प्रपद्ये। परम पूज्य परमादरणीय पितृचरण एवं चिरायुष्मान सुयान बाबा और उपस्थित आप सब पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए वैष्णव व्रत, हमने गत सत्संग में श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के षष्ठ श्लोक के हमने दर्शन किए। तो आज हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के सप्तम श्लोक के दर्शन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सप्तम श्लोक का गान करें। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर् मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितै। अब श्री आचार्य चरण यह सप्तम श्लोक के द्वारा
श्री यमुना जी से विनती कर रहे हैं कि ममास्तु तव सान्निध्यौ, कि हे श्री यमुने, मुझे आपका सानिध्य, आपकी शरणागति सदा सर्वदा प्राप्त हो। क्योंकि जीव को जब यमुना जी की शरणागति, उनका उनका सानिध्य जब जीव को प्राप्त होता है, तब वह जीव तनुनवत्वमेतावता, अर्थात वह जीव को यमुना जी की कृपा से तनु अर्थात देह, और नवत्व का अर्थ होता है कि नूतन देह की प्राप्ति आप श्री यमुना जी करवाते हैं। और नूतन देह भी कैसा, कि भगवत सेवा में उपयोगी नूतन देह की प्राप्ति, अर्थात श्री यमुना जी आप यह जो पुराना देह है, अर्थात जो यह जो लौकिक संसार में जो उपयोग हुआ हुआ जो यह देह है, उससे जीव को निवृत्त करके अलौकिक भगवत सेवा में उपयोगी नूतन देह की आप प्राप्ति करवाते हैं। और इसी संदर्भ में वार्ता जी में भी रूप मुरारी दास जी की वार्ता आती है कि रूप मुरारी दास जी, आप बादशाह के नौकर थे, उनके लिए शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद जो उन्हें थकान लगती, तो वह थकान को मिटाने के लिए वह नित्य यमुना जी में स्नान। तो एक दिन की बात है, वह गोविंद कुंड के वहां पे आए, और वहां पे उन्हें श्री गोसाई जी के दर्शन हुए, और वही लहूलुहान वस्त्रों से, यह वेश से गोसाई जी के दंडवत किए और विनती करी कि महाराज, मेरी तो ऐसी दशा है, मेरे तो ऐसो वेश है, अब मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे को शरण लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जाओ तुम सर्वप्रथम स्नान करके नए वस्त्र पहन के आओ। तब रूप मुरारी दास स्नान करके वस्त्र पहन के आए, और श्री जी बाबा के सन्मुख रूप मुरारी दास को श्री गोसाई जी ने शरण में लिया, और रूप मुरारी दास जी का यह नियम था कि वह प्रसादी पत्तल में से एक कणिका लेकर दूसरा प्रसाद जो दूसरे पत्तल थी उसको ग्रहण कर। तो वैष्णव केवल रूप मुरारी दास कि अपने थकान मिटाने के लिए वह यमुना जी में स्नान करते, पर यमुना जी की कृपा से उन्हें नूतन देह की प्राप्ति हुई, और वह रोज प्रसादी पत्तल में से कणिका लेकर अन्य पत्तल ग्रहण करते। तो यमुना जी का सानिध्य बड़ा ही आवश्यक है, उनकी शरणागति बड़ी ही आवश्यक है। इसलिए शाचार्य चरण यहाँ पे विनती करते हैं कि ममास्तु तव सन्निधौ, अर्थात हे श्री यमुने, मुझे आपका सानिध्य सदा सर्वदा प्राप्त हो। अब आगे शाचार्य चरण कह रहे हैं कि नदुर्लभ तमा रतिर मुरलिपो मुकुंद प्रिय, अर्थात नदुर्लभ तमा रतिर का अर्थ होता है नदुर्लभतम, कि श्री यमुना जी आप दुर्लभतम वस्तु को प्रदान करने वाली, और यह दुर्लभतम की व्याख्या प्रभुचरण कर रहे हैं कि एक होता है दुर्लभ और दूसरा होता है दुर्लभतम। जहां पर श्री यमुना जी से संबंध हो पाना ही दुर्लभ है, वहां पर श्री यमुना जी की कृपा से भगवान में रति बढ़ जाना तो दुर्लभतम है। तो ऐसी दुर्लभतम रति को श्री यमुना जी आप जीव को प्रदान करते हैं। तो यमुना जी के सानिध्य से एक तो जीव को तनुनवत्वमेतावता अर्थात नूतन देह भगवत सेवा में उपयोगी देह को वह जीव प्राप्त करता है, और दूसरा
कि वह दुर्लभ तमृति को यमुना जी की कृपा से यमुना जी उसको दान देते हैं। और मुरारीपो अर्थात मुरारी, आपको स्मरण होगा कि हमने प्रथम श्लोक में मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे नुटकताम, यह मुरारी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है उस पर चर्चा की थी। मुरारी शब्द का अर्थ होता है कि मोर नामक जो देते हैं उसके शत्रु, भोमासुर और यह जो मोर नामक उसका जो सहायक था मोर नामक दैत्य, उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया। तो वह मोर नामक दैत्य और भोमासुर जल दोषात्मक रूप थे, वह भगवत प्राप्ति में विलंब करवा रहे, इसलिए प्रभु आप पधारे और दोनों का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को शरण में लिया, उनको स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से श्री यमुना जी भी आप भगवत मिलन में, भगवत प्राप्ति में जो दोष बाधा करते हैं वह दोष को जीव से निवारित करके जीव को भगवत मिलन करवाते हैं। तो वैष्णवो, यहाँ पे श्री यमुना जी और श्री आचार्य और श्री ठाकुर जी में सजातीय धर्म, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी, इन तीनों भगवत स्वरूपों में सजातीय धर्म, और इस कारण से हरिराय महाप्रभु अपनी यमुनाष्टक स्तोत्र की टिप्पणी प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं कि भगवान विरहम दत्त्वा भावरुद्धि करोति तथैव यमुना स्वीय दर्शनात् स्वामी स्मरणात् इति। अस्मदाचार्य वर्यस्तु ब्रह्म संबंध करणात् ताप क्लेश प्रदानेन भावरुद्धि करोति, अर्थात भगवान विरहम दत्त्वा, अर्थात भगवान विरह को देकर जीव के भाव की वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने गोपियों को विरह दिया और गोपियों के जो अंदर जो मद था वह नष्ट होकर उनके भाव की वृद्धि हुई, इसी प्रकार से श्री यमुना जी भी तथा वह यमुना स्वीय दर्शना स्वामी स्मरणार्थ, अर्थात जब जीव यमुना जी का दर्शन करता है तब यमुना जी अब क्या करती है कि स्वामी स्मरणात, अर्थात श्री यमुना जी वह जीव को स्वामी अर्थात प्रभु का स्मरण करवाती है, जिससे वह जीव के भाव की वृद्धि हो जाती। और अस्मदाचार्य वर्यस्तु, अर्थात अपने आचार्य महाप्रभु क्या करते हैं कि ब्रह्म संबंध करणात, अर्थात ब्रह्म संबंध वह जीव से, वह जीव को ब्रह्म संबंध कराकर ताप क्लेश प्रदान, अर्थात ताप क्लेश को प्रदान करके भाव वृद्धि करोती है, अर्थात उस वह जीव के भाव की वृद्धि करते हैं। तो वैष्णवो, यहाँ पे इसलिए सर्वोत्तम जी में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सानिध्य मात्र दत्तक श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति द, अर्थात श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ का जो सानिध्य प्राप्त करे कृष्ण प्रेमा, अर्थात वल्लभ उसे कृष्ण प्रेमा, कृष्ण में प्रेम बढ़ाते हैं, कृष्ण में रति उसकी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे श्री आचार्य चरण श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी में सजातीय धर्म है। तो ऐसे श्री यमुना जी मुकुंद प्रिय, अर्थात आप मुकुंद की प्रिया है। मुकुंद अर्थात भगवान, भगवान का एक नाम है। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति का दान करे, मोक्ष दाता जो हो उसे मुकुंद कहते हैं। जब जीव घर बैठे बैठे भाव करे फिर भी भगवान उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करके उसको मुक्ति का दान करते हैं। तो भगवान आप मुकुंद है, मोक्ष दाता है, तो मुकुंद प्रिय, तो ऐसे श्री यमुना जी आप मुकुंद की प्रिया हैं। और अब श्री आचार्य चरण आगे आज्ञा करते हैं
कि अतोस्तु तवलालना सुरधुनि परम संगमात, अर्थात हे श्री यमुने तवलालना अर्थात जिस प्रकार से माता अपने बालक को प्रेम से भजती है, उसकी स्तुति करती है, पर माता अपने बालक को उसका उसके गुणानुवाद नहीं करती, उसकी लालन उसका लालन करती है, उसकी लालना करती है। लालना शब्द का अर्थ होता है कि स्तुति, पर स्तुति नहीं, स्तुति जैसा। तो हे श्री अपने यह समस्त विश्व में ऐसे कौन से जीव में सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति कर सके। तो केवल आपकी लालना से लालना ही कर सकते हैं। और सुरधुनी परम संगमार अर्थात श्री यमुना जी के परम संग से ही सुरधुनी की है, सुरधुनी अर्थात श्री गंगा जी, गंगा जी की है समस्त विश्व में स्तुति करते हैं। तवई वो भूमि कीर्तिता अर्थात श्री यमुना जी के परम संग से ही परम संग माता था श्री यमुना जी के परम संग से ही जब गंगा जी की भूमि पे कीर्तिता अर्थात यह कीर्ति बढ़ गई। और जो मर्यादा भक्त हैं वह श्री गंगा जी के एकदम मतलब श्री गंगा जी के स्वतंत्र भाव से उनकी स्तुति करते हैं। पर जो पुष्टि स्थित जीव है, जो पुष्टि स्थित भक्त है, वह श्री गंगा जी की इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि यमुना जी की कृपा से ही गंगा जी आप तनुनवत्व मेतावता और नदुर्लभतम जो रति है उसको आप प्रदान करने वाली बन। तो यमुना जी के परम संग से ही श्री गंगा जी आप भगवत सेवा में उपयोगी नूतन देह को देने वाली बन गई और दुर्लभतम रति को प्रदान करने वाली बन गई। तो यह भाव से पुष्ट स्थित जो जीव होते हैं वह श्री गंगा जी की स्तुति करते। तो वैष्णव श्री आचार्य चरण हमें यह श्लोक में यह बताना चाहते हैं कि हमको श्री यमुना जी का सानिध्य सदा ही ग्रहण करना चाहिए। श्री यमुना जी का उनकी शरणागति उनका सानिध्य बड़ा ही आवश्यक है। और श्री यमुना जी की शरणागति से जीव को भगवत सेवा में उपयोगी देह और दुर्लभतम रति प्रदान होती। इसलिए श्री यमुना जी की कृपा, यमुना जी का सानिध्य, यमुना जी की शरणागति बड़ी आवश्यक है। तो बस ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले आइए हम दो घड़ी श्री यमुना नाम ले, श्री यमुना जी का स्मरण करें, यमुना जी का स्मरण करें, यमुना जी का स्मरण करें। तो आइए हम एक छोटी सी धुन का श्रवण करें। यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय,
सदा ही हम श्री यमुना जी के सानिध्य में रहे, उनकी शरणागति हमारे हम उनकी शरणागति में रहे, यही मंगल भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री अपने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री व्रजाधीश जी लालन प्यारे की जय। શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલીમાં બિરાજમાન શ્રી રશિયા ઠાકોરની સેવાર્થ અને સુખાર્થ પૂજ્ય દાદાજી શ્રી દામોદરલાલજી મહારાજશ્રીની સર્વધ્યક્ષતામાં સુરતમાં શ્રી ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળા કાર્યરત છે, તેમાં ગૌમાતાની સેવા અને સંવર્ધન ઘણા વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે। ગૌ સેવા કરવી એ આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ છે, તો પ્રભુ કૃપાથી આપણને જે પણ દ્રવ્ય મળ્યું હોય તેમાંથી ગાયોની સેવા માટે સુસંપત્તિ વિનિયોગ કરાવીએ। આપની ગૌ સેવા નિત્ય ચાલુ રહે એ માટે આપ ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળાના કાયમી સભ્ય પણ બની શકો છો, ગૌ સેવા માટે મારો સંપર્ક કરી શકો છો। વિશેષ તો આગામી 25 તારીખથી હિંડોળા ઉત્સવ શરૂ થઈ રહ્યો છે। શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલીમાં પણ દર વર્ષે શ્રી રશિયા પ્રભુના સુખાર્થ વિવિધ પ્રકારના કલાત્મક હિંડોળાના મનોરથો કરવામાં આવે છે, તો આપ સૌ પણ તેમાં વિતજયા સેવા કરીને શ્રી રશિયા પ્રભુના હિંડોળાના મનોરથી બની સહભાગી બની શકો છો। પુષ્ટિધામ હવેલી દ્વારા દર શનિવારે છેલ્લા ઘણા સમયથી સત્સંગ થઈ રહ્યો છે। હમણાં આ કોરોના કાળમાં ઓનલાઈન સત્સંગ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઘણા વૈષ્ણવો નિત્ય સત્સંગનો લાભ લે છે। આપ સૌ મહદ ભાગ્યશાળી છો કે આપ સૌ સત્સંગનો લાભ લઈ રહ્યા છો, તો આવતા શનિવારે પણ આપ સૌ આ સત્સંગમાં જોડાશો અને બીજા વૈષ્ણવોને પણ આમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરશો। વિશેષ કંઈ ન કહેતા હવે પૂજ્ય શ્રી ગોવર્ધનેજી મહોદયશ્રીને આપ સૌ વૈષ્ણવો વતી વિનંતી કરીશ કે આપ વચનામૃત કરી અમને સૌને લાભાન્વિત કરશો। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્યામને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય। શ્રી ગોકુલનાથ કી જય, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કી જય। અવાજ આવે છે બરોબર અશોકભાઈ? ક્લિયર છે ને? હા, પ્રારંભ કરીશું।
श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारौ बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः श्रीमद्वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुर्जद रासादि लीला मृत जलधिपरा क्रांत सर्वोपि सश्व तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुण संप्रपद्ये हुताशम् मायावादिकरिन्द्रदर्पदलने नास्येन्दुराजोद्गत श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभसुधा वर्षेण वेदोदिनी राधावल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्नोपदैशैरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावीन भूतोऽस्ति श्रीमत्कथा संश्रवणोपयोगी श्रोत्रं ददौ यः करुणारसाद्भिः कथामृतास्वादनमूढचित्ता गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये शिवल्लभाधीश की जय। आइए वैष्णवो, मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक अप्राकृत रसात्मक स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आप श्री के युगल चरणारविंद में सदैन्य कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करें। एवं उपस्थित श्री कुशीधाम हवेली सूरत द्वारा आयोजित श्री पुष्टि मंथन सत्संग सभा में
उपस्थित आप सब आत्मीय जनों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सत्संग के लिए यहां पे उपस्थित हुए हैं और सत्संग ही केवल भाव पोषणम है। सत्संग के द्वारा ही हमारा भाव पोषित होता है, फलीभूत होता है। और पिछले कई सत्संग का जो क्रम चला आ रहा है, हर शनिवार को चिरायुष्मान हमारे ज्येष्ठ आत्मज चिरंजीव श्री व्रजाधीश जी एक अच्छे सुंदर विषय को, जैसे कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ करना हो तो मंगलाचरण पूर्व में किया जाता है, तो षोडश ग्रंथों में ये यमुनाष्टक ये मंगलाचरण। यमुना जी के द्वारा ही सर्वप्रथम आपने आगे आगे जो अन्य सिद्धांत या सर्व सिद्धांत संग्रहम या स्व सिद्धांत संग्रहम आदि अनेक विषयों पर आपने षोडश ग्रंथ में भाव विस्तार किया है, लेकिन उस सब के प्रारंभ में सर्वप्रथम नमामि यमुना महम। भक्ति की यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम वंदन श्री यमुना जी को होता है। आप स्मरण करें, जब 2018 ब्रज में हम गए, भगवत कृपा से यात्रा का परम लाभ हम सबने प्राप्त किया। आप में से कई ऐसे वैष्णव मैं देख पा रहा हूं जो हमारे साथ उस यात्रा के हमारे यात्री बने थे, ब्रज संगाथी ब्रज संगी बने थे, ऐसे कई वैष्णवों को मैं देख रहा हूं। सर्वप्रथम जो यात्रा का हमने संकल्प लिया प्रारंभ है, श्री वल्लभ घाट विश्राम घाट श्री महाप्रभु जी की बैठक, वहीं पे सब साथ में यमुना जी का स्तुति गान, यमुना जी की शरणागति, क्योंकि श्री यमुना जी ही तनु नवत्व देने वाली है। जैसा कि आज ही हमने श्रवण किया इस विषय पे, बड़ा सुंदर भाव। और ब्रज यात्रा करना वो भी कोई ये लौकिक देह का काम नहीं है, यह लौकिक शरीर का सामर्थ्य नहीं कि वो ब्रज की यात्रा कर सके। जब तक श्री यमुना जी की कृपा न हो, वह अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति न हो, तब तक ब्रज में विहार करना भ्रमण करना वह संभव ही नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम श्री यमुना जी का पूजन, यमुना जी के पदों का अनुसंधान, कीर्तनों का गान, यमुना जी को सामग्री भोग और यमुना जी को विनती कि आप ही हमें खींचकर यहाँ पे लाई हैं और अब आगे के जो भी अलग अलग स्थलों में जो भ्रमण है आपकी कृपा होगी तो ही यह ब्रज का लाभ ब्रज सुलभ हो पाएगा। तो सर्वप्रथम जो यात्रा का भी जो प्रारंभ है वह हमारा यमुना जी का आश्रय ग्रहण कर ही वह यात्रा प्रारंभ होती है। और फिर जब यात्रा का संकल्प छोड़ते हैं वहां पे पुनः यमुना जी को दंडोत करके कि आपकी कृपा से हम ये लाभ ले पाए, सदा बस ऐसी ही कृपा बारंबार बना के रखना, ये विनती हम जब संकल्प छोड़ते हैं कि ये इतने दिन जो हमने आनंद लिया अब पुनः जल्दी ऐसे अवसर हो प्राप्त हो। आज भी जो जो यात्रा में आए हुए थे वैष्णव वो यही भाव मनोरथ रख रहे हैं कि अब कब वापिस जाएंगे ब्रज में, कब ब्रज यात्रा का आनंद पुनः प्राप्त होगा, है ना, विचार आता ही रहता है। तो ये श्री यमुना जी की कृपा है प्रियजनों। तो बड़ा ही एक अच्छा जो विषय है लालन के द्वारा एक एक श्लोक पर वह प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों की वाणी तो गूढ़ार्थों से भरी हुई है और शिवल्लभ की कृपा है, और शिवल्लभ की कृपा के चलते ही एवं हमारे पूज्य श्री पितृचरण की कृपा विशेषकर लालन पे, और जो कृपा का बल है कि वह एक एक श्लोक पर विवेचन कर पा रहे हैं।
शिवनाष्टक पर कई आचार्यों ने सुंदर भाव प्रकाश किए हैं। शिवनाष्टक में जो नव श्लोक और उन श्लोकों पर अलग अलग भाव, उन भावों का विस्तार और उन विस्तार के द्वारा श्री यमुना जी का जो अगाध महात्म है वो पुष्टि भक्तों को ज्ञात होता है। श्री यमुना जी का जो आदिदेविक जो स्वरूप है वो हमारे श्री वल्लभ ही उन स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी पूर्व में ही सजातीय धर्म की बड़ी सुंदर बात है कि आप सब भगवत स्वरूपों में सजातीय धर्म रहे। तो श्री महाप्रभु जी ने श्री आचार्य जी ने श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप का वर्णन किया श्री यमुनाष्टक के द्वारा और उन्हीं श्लोकों पर श्री गोसाई जी एवं श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोसाई जी ने यमुनाष्टक के 6 श्लोकों की विवृत्ति की है और बाकी के जो 3 श्लोक हैं उसकी टीका श्री गोकुलेश प्रभु को, श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा करी कि तुम उसकी टीका लिखो। तो श्री गोकुलनाथ जी ने भी यमुनाष्टक पर ये जो 7, 8, 9 ये जो बाकी के जो 3 श्लोक हैं उसकी टीका श्री गोकुलेश प्रभु ने लिखी एवं श्री हरिराय जी आदि अन्य कई ऐसे आचार्यों ने बड़े सुंदर भाव उन गुणार्थों का प्रकाश किया है। आज हमने समस्त 7 श्लोक में ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व में तावता, यह श्लोक के माध्यम से श्री आचार्य चरण अत्यंत विशिष्ट भाव प्रकट कर रहे हैं कि श्री यमुना जी के सान्निध्य द्वारा ही तनु नवत्व में तावता अर्थात तनु नवत्व की प्राप्ति होती है, जिसको हमने पूर्व में श्रवण किया भगवत सेवा प्रयोगी देह की प्राप्ति होना। टीका के अंतर्गत श्री गोकुलेश प्रभु आज्ञा करते हैं कि जैसे कि घड़े के पक जाने के पश्चात मिट्टी की निवृत्ति हो जाती है और उसी प्रकार से श्री यमुना जी के सान्निध्य से जो पहले की देह से लौकिकता निवृत्त होकर अलौकिक जो सामर्थ्य है उस शरीर के अंदर देह के अंदर आ जाता, अर्थात श्री गोकुलनाथ जी का अभिप्राय भाव यह है, आप उनका अभिप्राय के अनुसार कि जो तनु यानी ये शरीर जो हमें अभी वर्तमान में प्राप्त है वह शरीर श्री यमुना जी के सान्निध्य से नूतन नया बन जाता है तनु नवत्व में, क्योंकि नूतन सामर्थ्य युक्त शरीर ही तो अलौकिक जो रस है, अलौकिक जो भोग है उस भोग को ग्रहण कर पाएगा। पुष्टि मार्ग में भगवत कृपा से ही जो भक्त है वो भोक्ता भी बन जाता है और वो भोग्य भी बन जाता है। जैसे जब ठाकुर श्री प्रभु अवचारण लीला करने के लिए आप ब्रज में पधारते हैं और यहाँ पे जो ब्रज कुमारी का आए हैं बड़ी आतुरता से प्रभु की प्रतीक्षा करती है, ठाकुर जी उनके ताप भाव को जानकर वापस सब गायों को टेरते हुए जब वापस ब्रज की ओर पधारते हैं, गायों का झुंड के झुंड प्रभु के साथ गौधूली वेला, गायों की खुर रज से पूरा आपका अंग आच्छादित है, जो वनमाला आदि जो धराई हुई थी ग्वाल बालों ने वो भी थोड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी है, मोरपंख जो धराया हुआ है बरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासह कनक कपिशम वे जयंतीं च मालां रंध्रां वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, घायों के झुंड में घिरे हुए ग्वाल बाल श्री ठाकुर जी की कीर्ति का गान कर रहे हैं कि आज तो ठाकुर जी ने यहाँ पर इसका उद्धार किया, आज यह जीव का उद्धार किया, आज धेनुकासुर का उद्धार किया, आज प्रभु ने अघुआसुर से हमारी रक्षा करी। प्रभु की कीर्ति का गान करते हुए गायों में घिरे हुए कृष्ण जब ब्रज की ओर पधारते हैं
गोपियां आतुरता से प्रभु के एक झलक की प्रतीक्षा में इतनी व्याकुल हो चुकी हैं। पूरा गायों के रज से ब्रज आच्छादित, गोपियों को पता चला प्रभु पधार रहे हैं। अब एक दूसरे को पूछ रही हैं, अरे तुकु दिखे के नहीं, तुकु दिखे के नहीं। दूसरी कहे, नहीं अभी तो दिखे नहीं। इतनी कुतूहलता चल रही है कि किसको प्रथम दर्शन हुए। धीरे धीरे प्रभु गायों के साथ और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चित्र स्पष्ट होता जा रहा है। गायों के दर्शन हुए, गोपियों को ग्वालों के दर्शन हुए, और उसमें सुंदर वेणुनाद करते हुए, मंद मंद हास्यामृत का दान करते हुए ठाकुर जी पधार रहे हैं। और जब अब एक झलक गोपियों को हुई, उस समय मानो गोपियों के जो नेत्र हैं वह भ्रमर हैं और ठाकुर जी वह रस मकरंद हैं। ये गोपियां क्या कर रही है? अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से कृष्ण रूपी रस मकरंद का आस्वादन कर रही हैं। बड़ा सुंदर वर्णन वहां पे श्री सुखदेव जी ने किया। जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तब तक तो एक दूसरे को पूछ रहे थे, कुतूहलता थी। जैसे कि भ्रमर, भ्रमर बाग पे फूलों पे मंडराता है, तो मंडराते मंडराते अलग अलग फूलों पर जब भ्रमण करता है तब करता हुआ, गुंजार करता हुआ, पीऊं के नहीं, पीऊं के नहीं, पीऊं के नहीं। और फिर जब एक पुष्प पर आकर जब भ्रमर बैठ जाता है तो बिल्कुल शांत, जो गुंजार चल रही थी, जो आवाज था, वो बिल्कुल मौन होकर और वो जो पुष्प में रहा हुआ जो रस मकरंद है उसका आस्वादन करने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों के नेत्र मानो भ्रमर और ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो मकरंद, वो रस है। और ये गोपियां अपने नेत्र रूपी भ्रमर से ठाकुर जी के जो रस है उसका पान कर रही हैं। तो यहाँ पे भोक्ता कौन हुआ? भक्त हुए, गोपीजन हुए। और भोग्य कौन हो गया? ठाकुर जी हो गए। यही तो है अरस परस लीला है। कभी भक्त भोग्य बन जाता है, कभी भगवान भोग्य बन जाते हैं, कभी जीव भोक्ता बन जाता है, कभी भगवान भोक्ता बन जाते हैं। और जब जीव, ये बड़ी उच्च बात है, आप देखिए, जीव जब भोक्ता बन जाए और वो भोक्ता बनने के लिए जो ठाकुर जी का जो रस है उस रस को टिकाने के लिए पात्र तो चाहिए कि नहीं? ठाकुर जी का जो अलौकिक जो स्वरूप है उसका जो पान करना हो तो वो सामर्थ्य, वो योग्यता, वो हमारे अंदर होनी परम आवश्यक है। इसलिए यहां पर श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व मे तावता। हे श्री यमुना जी, आपके सानिध्य से तनु नवत्वता प्राप्त होती है कि रस रूप भगवान का वह जीव ग्रहण कर पाए। नूतन सामर्थ्य युक्त शरीर ही अलौकिक भोग को भोग पाएगा। इसीलिए यहां पे देखिए आगे क्या कहा, नदुर्लभतमारती। सबसे दुर्लभ चीज क्या है? ठाकुर जी में प्रीति हो जाना, प्रभु में प्रेम हो जाए, इससे दुर्लभ और कुछ नहीं है जगत में, संसार में। ये जीव जहां तहां लौकिक विषयों में, पदार्थों में आसक्ति जोड़ता रहता है, लेकिन ठाकुर जी में प्रीति होना, आसक्ति होना, ये सबसे बड़ा दुर्लभतम है। अभी पूर्व में लालन ने बड़ा ही अच्छा भाव प्रकट किया, एक होता है दुर्लभ और एक होता है दुर्लभतम। दुर्लभतम क्या है? कि ठाकुर जी में प्रेम हो जाना, निष्काम प्रेम आसक्ति जागृत हो जाना। तो ये जो दुर्लभतम रति जो है वो श्यमना जी के पावन सानिध्य से भक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पे श्री गोकुलनाथ जी ने भी कि तनु नवत्व, देखिए ये बड़ी विशेष बात है। ये जो तनु नवत्व जो शब्द है, ये आपको अपने पुष्टि संप्रदाय में ही ये शब्द मुख्य रूप से देखा जाएगा। एक तो तनु नवत्वता और एक तत्सुखात्मक भाव, ये जो दो जो सेंटेंस शब्द हैं, ये विशेषकर पुष्टि मार्ग में ये प्राप्त होते हैं। एक तो तत्सुखात्मक भाव और एक तनु नवत्वता। देखिए यही तनु नवत्व जो विषय है, इसी विषय को आचार्य चरण ने
सेवा फलम ग्रंथ में भी इस विषय को समझाया। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, सेवा फलम ग्रंथ। अब देखिए, वैसे तो अपने यहां पे यही आपने सुना है, जाना है, पढ़ा है कि पुष्टि मार्ग में सेवा ही फल है। साधन और फल, इसका भेद अपने संप्रदाय में नहीं है। जब सेवा ही फल है तो फिर अब यहां ये जो सेवा फलम ग्रंथ में कौन से फल की बात कर रहे हैं, ये एक विचारणीय एक प्रश्न है। सेवा फलम ग्रंथ में जब सेवा को ही फल रूपा जब अपने यहां पे बताया गया, तो फिर ये जो सेवा फलम ग्रंथ है उसमें सेवा का कौन सा फल की चर्चा है? तो यहीं पे आप देखिए, ये तनुनवत्व की जो बात है वो यहां पे हमको सेवा फलम ग्रंथ में दर्शन हो। श्री आचार्य जी अपने विवरण में लिख रहे हैं, ये जो सेवा फलम ग्रंथ में जो श्री महाप्रभु जी ने विवरण लिखा है, उस विवरण अंतर्गत श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि सेवायाम फल त्रयम इति। ध्यान दीजिएगा, सेवायाम फल त्रयम इति, अर्थात जब सेवायाम सिद्धायाम सत्याम इत्यर्थः, जहां सेवा फल ग्रंथ का जो आपने पाठ किया हो या आपके सामने पुस्तिका हो तो उसमें आप देखिए मूल श्लोक में यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धो फलमुच्यते, ये श्री आचार्य चरण लिख रहे हैं कि यादृशी सेवना प्रोक्ता, जो सेवा की बात जो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में कही गई है, जब उस प्रकार की जब जीव सेवा करता है और वह जब सेवा सिद्ध हो जाने पर, क्योंकि सिद्ध हुई वस्तु ही फल को साध सकती है, तो यह सिद्ध सेवा में जब यह सेवा हमारी सिद्ध रूपा बन जाती है तो यह सेवा में तीन फल की प्राप्ति होती है। सेवायाम फलत्रयम इति। देखिए यहां एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सेवा से यहां जो अर्थ है, सेवा से अर्थ नहीं है, सेवा में अर्थ यहां पे लेना है। देखिए समझिए, सेवा से और सेवा में दोनों विषय अलग हो जाते हैं, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने ये विवरण में जहां सेवायाम फलत्रयम इति कहा, तो श्री हैराई जी यहां पे टीका में बता रहे हैं कि ये जो श्री आचार्य जी ने सप्तमी विभक्ति का यहां पे प्रयोग किया है, जो सेवा से अर्थ बताना होता, यह भाव प्रकट करना होता कि सेवा के द्वारा ये तीन फल मिलेंगे, तो श्री आचार्य चरण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते कि सेवा से तीन फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवायाम सिद्धयाम सत्याम। तो ये जो सेवायाम जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति से ये संस्कृत साहित्य का व्याकरण का विषय है, हर कोई इस विषय को नहीं जान पाता, लेकिन सप्तमी विभक्ति का जो श्री हरिराय महाप्रभु जी कारण बता रहे हैं कि सेवा से नहीं अपितु सेवा में अर्थ हमको ग्रहण करना है, कि जब जीव सेवा करते हुए, कौन सी सेवा, तत्सिद्धे तनुवित्तजा, जो सेवा का अर्थ जो चेतस्तत् प्रवणम सेवा सिद्धांत मुक्तावली में कहा है कि सेवा किसको कहते हैं, कि जहां चित्त का ठाकुर जी में लग जाए, प्रवीण हो जाए, चेतस्तत् प्रवणम, वो सेवा है मुख्य। और वो सेवा कैसे सिद्ध होती है, तो तत्सिद्धे तनुवित्तजा। तो जब हमारी तनुजा वित्तजा सेवा के द्वारा हमारी सेवा मानसी सिद्ध रूपा बन जाती है, जब सेवा सिद्ध होती है तनु वित्तजा के द्वारा, तब वह सेवा में यानी सेवा करते समय तीन फल जीव को, सेवायाम फल त्रयम, तीन फल को उसकी प्राप्ति होती है। सेवा अपने आप में मुख्य फल है और यह तीन फल सेवा में ही मिलते हैं, और इसके पश्चात ये तीन फल जब मिल जाएं
तो उसके पश्चात भी सेवा तो यथावत निरंतर चलती ही रहती है। अपने पुष्टि संप्रदाय में भगवत सेवा कभी समाप्त नहीं होती है। यह तीन जो फल की बात श्री आचार्य चरण ने की है, वो फल मिलने पर भी सेवा निरंतर चलती रहती है। इसलिए यहां पे शहराई जी ने बता रहे हैं कि श्री आचार्य चरण ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। अब यहाँ पे जो महाप्रभु जी ने तीन फल की जो बात की है सेवा के द्वारा, सेवा करते समय, तो आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि सेवायाम फलत्रयम् अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य और तीसरा है सेवा प्रयोगी देह वैकुंठादिशु। ये आपने विवरण में लिखा, सेवा करते करते, नित्य निरंतर सेवा करते करते भगवत कृपा से उसको ये तीन फल प्राप्त होते हैं। तनुविद्या सेवा के द्वारा क्या चीजें प्राप्त होती हैं? एक तो सबसे पहली बात है अलौकिक सामर्थ्य। यहां जो अलौकिक सामर्थ्य का अर्थ है कि जो प्रभु का स्वरूप करोड़ों सूर्य की अग्नि रूप है, जो सर्व लीला विशिष्ट प्रभु जब फल देने की इच्छा से अपने जीव के हृदय में प्रवेश करें, तब वो प्रभु का अनुभव कर पाने का सामर्थ्य, प्रभु के स्वरूप का अनुभव करने का जो सामर्थ्य है, उसको श्री महाप्रभु जी यहां पे अलौकिक सामर्थ्य से बता रहे हैं। और ये जो प्रभु के स्वरूप का जो अनुभव है, इसके लिए एक नूतन सामर्थ्य की आवश्यकता जीव को रहेगी। तो प्रभु ऐसा जो अलौकिक सामर्थ्य युक्त जो देह है, अपनी अपार करुणा के चलते उस जीव को आप प्रदान करते हैं, जीव को आप देते हैं। और सजातीय धर्म होने के कारण श्री महाप्रभु जी भी एवं श्री यमुना जी भी प्रभु के अनुभव कर पाने का जो अलौकिक जो सामर्थ्य है, यानी नूतन जो देह है, वो आप प्रदान करते हैं। जैसे पूर्व में हमने ये बात सुने कि श्री आचार्य महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध के द्वारा ताप क्लेशादि बीज उसके हृदय में जीव के अंदर स्थापित कर उसके भाव की वृद्धि करते हैं। ठाकुर जी भी अंतर ध्यान आदि लीला कर भक्तों के भाव का पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार श्री आचार्य चरण भी ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा के माध्यम से भक्तों के ताप क्लेश को बढ़ाकर, ये जो गद्य मंत्र है आप देखें, इसका तो नित्य नियम से निवेदन होना ही चाहिए। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनै, हरेक पुष्टि मार्गीय वैष्णव को जो ब्रह्म संबंधी है, जिसके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उन वैष्णव को अपने दल तुलसी दल हाथ में रखकर उस गद्य मंत्र का चिंतन स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र के द्वारा ठाकुर जी के चरणारविंद में रोज तुलसी जी समर्पण ही चाहिए। न याद हो तो अपने लिख के अपन मंदिर में अप्रस में रखें, और ज्यादा हम ना भी बोल पाए संस्कृत, तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र, उसमें पूरे गद्य मंत्र का सार आ जाता है। तो कम से कम उस जीव को जिसके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा है, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, ये पंचाक्षर मंत्र के द्वारा हाथ में तुलसी जी लेकर ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करना ही चाहिए। तो ये ब्रह्म संबंध के द्वारा ताप क्लेश श्री वल्लभ की कृपा से उस जीव के अंदर आता है, जो भगवत भाव को प्रवृद्ध करता है। तो यहां पर तनु नवत्व के माध्यम से भगवान के जो अलौकिक रस का जो सामर्थ्य है, अनुभव है, वह रस को प्राण पान करने का, प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है, उसको तनु नवत्व शब्द से कहा है। और यहां पे सेवा फलम ग्रंथ में अलौकिक सामर्थ्य शब्द में श्री आचार्य जी ने निरूपित किया है। यहां अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा ये श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु के लीला का अनुभव कर पाना, यह सामर्थ्य ही मुख्य रूप से कहा जा रहा है। इसलिए यमुनाष्टक में भी कहा कि ममास्तु तव सन्निधो। तो तनुनवत्व के यह शब्द प्रयोग जन से अलौकिक सामर्थ्य का भाव रहा हुआ है। मुख्य भाव श्री हिराय महाप्रभु जी बता रहे हैं
कि भगवान के विरह का अनुभव कर पाने का सामर्थ्य वाला शरीर उसका दान श्री यमुना जी जीव को करती हैं। भले ही जीव की इच्छा न हो तथापि श्री यमुना जी स्वयं आग्रह पूर्वक उसे भगवत विरह दुख का अनुभव कराने के लिए जिसका दान देना चाहें वह अलौकिक शरीर का दान श्री यमुना जी उस जीव को प्रदान करती। जब भगवान ऐसा दान देना चाहें तब जीव के देह इंद्रियों में अपने स्वरूप को स्थापित कर देते हैं। अभी हमने पूर्व में इस विषय को श्रवण किया कि श्री यमुना जी कैसी है, कि जो जीव श्री यमुना जी की शरणागति लेता है, श्री यमुना जी का दर्शन करता है, सेवा करता है, श्री यमुना जी क्या उसको प्रदान करती हैं कि उसको स्वामी यानी श्री यमुना जी के जो स्वामी हैं ठाकुर जी हैं उसका स्मरण उसके प्रति भाव वर्धन श्री यमुना जी करती। भगवान अपने स्वरूप का दान करते हैं और श्री यमुना जी ठाकुर जी में प्रेम बढ़ाती हैं। देखिए ऐसा दान भी भगवान प्रभु सबको नहीं देते। पहले ही जैसे ये कहा गया नदुर्लभ कि यह रति कैसी है, दुर्लभतम है। आप रास पंचाध्याय के अंदर भी देखें, वहां रास पंचाध्याय के प्रसंग में जहां अंतर्ग्रह गता को जो गोपियां हैं तो वो जो अंतर्ग्रह गता जो गोपियां थी वो प्रभु के पास भी नहीं पहुंच सकी, उनके सामने प्रभु के पास जाने में प्रतिबंध आ गया। वो प्रतिबंध के चलते उन गोपियों को जो मध्यम फल है जिसे आप श्री सायुज शब्द से कह रहे हैं उसकी प्राप्ति हुई। देखिए तीन जो फल है उसमें सबसे पहला तो अलौकिक सामर्थ्य जो तनुनवत्व के अर्थ में है और ये दुर्लभतम है, और वो दुर्लभतम के चलते जो अंतर्ग्रह गता गोपी जो साक्षात लीला के समय में जब उपस्थित थी उनको भी ये दुर्लभतम रति की प्राप्ति नहीं हुई। उनको कौन सा फल मिला तो श्री महाप्रभु जी सायुज्य शब्द से कहते, यानी विचार करिए कि यमुना जी का सानिध्य उनका स्मरण उनकी कृपा कितनी विशिष्ट है, जो सारस्वत कल्प में जो अंतर्ग्रहगता गोपियों को भी नहीं प्राप्त हुआ था वो भले आज कौन सा भी कैसा भी समय क्यों ना हो। इसलिए कहा कालो यम कठिनोपि कृष्ण भक्तान्न बाध्यते, चाहे कोई भी काल क्यों ना हो लेकिन श्री यमुना जी वो दुर्लभतम रति भी उस जीव को प्रदान कर देती है। अंतर्ग्रहगता गोपियों को सायुज्य मोक्ष मिला, उसकी प्राप्ति हुई। देखिए अलौकिक सामर्थ्य ये जो मुख्य जो फल है ये तो भगवत कृपा से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। और दूसरा फल जिसे यहाँ पे श्री आचार्य चरण सायुज्य कह रहे हैं वह सायुज्य फल प्राप्ति के लिए उसमें शास्त्रीय प्रकार की आवश्यकता रहती है। वह सायुज्य फल सेवा के द्वारा कब प्राप्त होता है, श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि शास्त्र मर्यादा की आवश्यकता वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीव को आवश्यक है। सायुज्य का अर्थ है साथ में जुड़ना। यहां जो सायुज्य का भाव बता रहे हैं, सायुज्य यानी क्या कि प्रभु में प्रभु के साथ जुड़ने का भाव यानी सायुज्यम, भगवान के साथ सतत स्थित होना। अब जो सतत स्थित है भगवान के साथ उसको तो सदा सर्वदा प्रभु के संयोग रस का ही अनुभव प्राप्त होगा। अब श्री यहां पे टीकाकारों ने उदाहरण दिया कि ऐसा सायुज्य मोक्ष किसको प्राप्त हुआ, तो आप श्री टीका में लिख रहे हैं कि जैसे कि लक्ष्मी जी। आप देखिए जो लक्ष्मी जी हैं वो ब्रह्मानंद रूपा मानी गई है एवं वे प्रभु के हृदय में निवास करती है, नित्य निरंतर भगवान के वक्षस्थल में ये लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और जब भगवान को उनके साथ रमण करने की इच्छा होती है तो उन लक्ष्मी जी को अपने हृदय से बाहर प्रकट कर देते और फिर आप उनके साथ रमण करते हैं और रमण करने के पश्चात प्रभु उनको वापिस पुनः अपने हृदय में स्थित कर देते। तो उन लक्ष्मी जी को सदा भगवान का सायुज्य यानी भगवान की समीपता यानी कि संयोग रस की प्राप्ति श्री लक्ष्मी जी को नित्य निरंतर होती है।
और उसी प्रकार से आप देखें ये जो अंतर्व्रतता गोपियां जो हैं, उनको भी ठाकुर जी ने भक्ति मार्गी प्रकार से एक साथ उनके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से उनके पंच भौतिक देह को दूर कर भगवान ने उनको अलौकिक देह की प्राप्ति कराई। उनको अलौकिक देह प्रदान करके पहले उन अंतर्ग्रहताओं को खुद के श्रीअंग में स्थित किया और स्थित करने के पश्चात वहां से उनको निकालकर अपनी लीला के अनुभव उन गोपियों को कराया। जैसे लक्ष्मी जी को अपने हृदय में आप पधारते हैं और फिर रमण करने के लिए बाहर वो प्रकट होते हैं और फिर पश्चात वापिस उनके हृदय में पधारते हैं, उसी प्रकार से ब्रज के जो ये अंतर्ग्रहता गोपियां जो थी उनको भी भगवान ने उनके पंच महाभूत जो ये पांच तत्वों से जो ये देह बना हुआ है उससे उनको निवृत्त किया और अपने अंदर ही उनको स्थित किया और फिर अपनी लीला का अनुभव भगवान ने उनको कराया। तो ये जो फल है उन अंतर्ग्रहताओं को मिला उसको श्री महाप्रभु जी यहाँ श्री हैराय जी मध्यम फल के रूप में निरूपित कर रहे हैं। इसका कारण क्यों? भगवत लीला का अनुभव तो सतत हो रहा है, भगवत समीपता भी प्राप्त हो रही है, फिर भी मध्यम फल क्यों कहा यहाँ पे? क्योंकि उन ये जो अंतर्ग्रहगता गोपियां जो हैं उनको निरंतर भगवान का संयोग रस ही प्राप्त हो रहा है, उनको विप्रयोग का अनुभव नहीं हुआ है, इसीलिए संयोग रस के चलते ही केवल उनको मध्यम फल की प्राप्ति होती है जिसको सायुज्य कहा जाता है। देखिए यहां जो सायुज्य की बात हो रही है आपने सुना होगा या वांचन में आया होगा कि सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप्य ये जो अलग चार प्रकार के ये जो मोक्ष बताए गए हैं सायुज्य, तो यहां जो वो जो सायुज्य धर्मशास्त्रों में बताया गया है मर्यादा मार्ग में बताया गया है वह सायुज्य से हमारे यहाँ पे जो पुष्टि मार्ग में जो सायुज्य की बात कर रहे हैं वो सायुज्य में भेद है। ये इस विषय को आप समझने का प्रयास करें। मर्यादा मार्ग में जो सायुज्य है वो अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाना, वहां पे द्वैत की बात नहीं है, वहां पे अद्वैत, वह सायुज्य अंश अंशी में मिल गया। लेकिन यहां पे जो पुष्टि मार्ग जो सायुज्य है कि यहां पे ठाकुर जी उसको अपने देह में स्थित करते हैं लेकिन स्थित करने के बाद भी अपनी लीला का अनुभव उसको कराते हैं। अब जो अंदर ही लय हो गया स्थित हो गया तो वो ठाकुर जी के स्वरूप या लीला का अनुभव क्या कर पाएगा? यानी प्रभु के समस्त लीलाओं को जानना ये लीन होने से बड़ी बात हो गई। यानी यहां पे जो सायुज्य है समीपता है वो पुरुषोत्तम के प्रति ही है, अक्षर ब्रह्म के प्रति नहीं है। यानी वैसे तो उत्तम ही है क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा तीन प्रकार के जीव बताए गए हैं और पुष्टि के जो अलग अलग भेद हैं, यहाँ पे मर्यादा जीव नहीं अभी तो पुष्टि मर्यादा जीव की बात है कि उसका ये जो मध्यम फल है वो सायुज्य की प्राप्ति है। कि सेवा के द्वारा भले जो पुष्टि मर्यादा जो जीव है, क्योंकि पुष्टि पुष्टि जीव होते हैं शुद्ध पुष्टि जिनको देहानुसंधान भी नहीं रहता, जो केवल और केवल ठाकुर जी में व्यसन आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। अब आजकल ऐसे पुष्टि पुष्टि जीव तो कहां मिलेंगे, मुख्य तो पुष्टि पुष्टि जीव यानी गोपी जन ही है, 252-84 वैष्णव। आजकल के वर्तमान के जो आधुनिक भक्त हैं वो पुष्टि पुष्टि जीव नहीं कहे जाते, वो पुष्टि मर्यादा होते हैं या पुष्टि प्रवाही होते हैं, क्योंकि अन्य और भी कई लौकिक आवरण आसक्ति उसको बाधा करती है। तो पुष्टि मर्यादा का जो सेवा का जो मध्यम फल है, जो अलौकिक सामर्थ्य शायद उसको प्राप्त न भी हो पाए, तो यहाँ पे मध्यम फल बताकर बताया कि उसको सायुज्य की प्राप्ति तो होती ही है, जो अंतर्ग्रहगता गोपियों को जिस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब देखिए मैं श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के अंतर्गत 29वें अध्याय में यह विषय को बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। उसमें श्री महाप्रभु जी बड़ा गूढ़ार्थ सुबोधनी जी में बताते हैं। जब ये रासपंच अध्याय का अनुसंधान करें, ठाकुर जी ने वेणुनाद कर और वह वेणुनाद द्वारा नेत्रों को बंद कर एक एक गोपियों का ध्यान धरा। देखिए वेणुनाद सबने सुना लेकिन पहुंचा कौन,
कौन सन्मुख में पहुंच सका, जिसका ध्यान भगवान ने किया, नेत्र बंद करके वेणुनाद किया, और जिस जिसके आपने नाम लिए वही भक्त वहां पे पहुंच पाए रास में। बाकी हरेक को तो हाँ वेणु सुनाई दिया, लेकिन हरेक नहीं पहुंच पाए। तो कई गोपियां पहुंच गई, लेकिन कुछ गोपियों के पति ने उनको रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया। तो जिनके पति उनके आवरण रूप बन गए वो सब अंतरग्रहगता गोपियां हैं। अंतरग्रहगता काश्चित गोप्य लब्धा विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता तद्युर मिलित लोचना। अब जिनके पतियों ने वहां पे वन में उनको जाने की अनुमति नहीं दी, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उन गोपियों के अंदर कृष्णम तद भावना युक्ता, वह गोपियां अपने घर में ही तद भावना युक्ता यानी ठाकुर जी की भावना करने लगी। कृष्ण की भावना से संयुक्त होकर दध्युर मिलित लोचना, उन गोपियों ने क्या किया, नेत्रों से नेत्रों को बंद कर दिया, लोचन यानी नेत्र को बंद किया, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान धरने लग गई। वह आंख बंद करके भगवान के रूप सौंदर्य का ध्यान धरने लगे। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप द्युता शुभा ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष निवृत्त्या क्षण मंगला। प्रेष्ट प्रिय श्री कृष्ण के दुस्सह विरह तीव्रताप, विरह के अति ताप के हो जाने से गोपियों के द्युता शुभा, गोपियों के अंदर प्रभु मिलन का जो विरह जागृत हुआ, वह विरह के चलते क्या हुआ, अशुभ पाप कर्म सब नष्ट हो गए। देखिए श्री महाप्रभु जी यहाँ पे बड़ा ही अद्भुत भाव प्रकट करते हैं। श्री आचार्य चरण टीका में लिख रहे हैं, दुस्सह यह प्रेष्ट विरह स एव महानग्नि तस्य यस्तिप्रतापः तेन धुनानि निर्दुतानि ज्वालितानि भस्मस्तात् कृतानि अशुभमानि आसम कोटि ब्रह्म कल्पेषु कुंभिपाकादि नरकेषु यावत् दुःख भवेत् तावत् दुःखं भगवत विरहे क्षण मात्रेण जातम् तत्सर्वापा फल भोग समाप्ता। के भगवान के लिए होने वाला क्षण मात्र का भी विरह, भगवान के मिलन के होने के लिए जो ताप, करोड़ों ब्रह्मा के कलमों में कुंभिपाक आदि नरकों से प्राप्त होने वाले दुखों को भी समाप्त कर देते हैं। करोड़ों ब्रह्मा के कल्पों में कुंभिपाक आदि नरकों से, यानी भगवान का जो एक क्षण भी स्मरण किया जाए, ध्यान धरा जाए, तो वह ध्यान यानी ताप से, एक क्षण मात्र का भी ताप, पुष्टि मार्ग में ताप परम आवश्यक है। और यहां इन गोपियों को ताप हुआ, और वो ताप के चलते क्या हुआ, द्युता शुभा उनके जितने भी पाप थे, अशुभ पाप कर्म सब नष्ट हो गए। गोपियों ने ध्यान प्राप्त च्युताश्लेषा, ध्यान गोपियों ने ध्यान के माध्यम से अच्युत श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त किया, और जिसके सुख के भोग से क्षण मंगला उनके पुण्य कार्य भी क्षण हो गए। देखिए ताप से पाप का क्षय होता है, और जब प्रभु ने आलिंगन प्रदान किया उन ग्रहगताओं को, अंतर्ग्रहगताओं को, तो ये तो फल रूप प्राप्त हुआ, आलिंगन प्राप्त हुआ, तो उनसे उन गोपियों के पुण्य कार्य भी क्षण हो गए। कहने का भाव ये है कि सर्व पाप क्षय हो जाने पर उन अंतर्ग्रहगता गोपियों, अंतर्ग्रहगता गोपी भगवान में ध्यानस्थ हो गई, और उस काल में भगवत आलिंगन से उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो गए, तो गुणमयी देह का भी नाश हो गया तथा अविद्या का भी क्षय हो गया। तो इस प्रकार से उन गोपियों को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। मुक्ति वस्तुतः मुक्ति की प्राप्ति तभी जीव को होती है कि जब वह उसके समस्त कर्म नाश हो जाए। कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक हमारे पुण्यमय कर्म होते हैं और एक पाप युक्त कर्म भी होते हैं। तो जब ये कर्म के फल को जब जीव भोग लेता है, एवं साथ ही अविद्या का भी नाश आवश्यक है, तो जब जीव की अविद्या निवृत्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति जब अंतर्ग्रता गोपियों की हुई, उनके समस्त जो पाप कर्म थे वह ताप से निवृत्त हुए, और आलिंगन से उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो गया, तो उनके उनके घर में ही सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया। यहां गोपियों को विरह की बात कही गई। देखिए एक होता है विरह, एक होता है
वेदना और तीसरा होता है विप्रयोग। इन अंतर्ग्रहता गोपियों को सायुज मोक्ष मिला क्योंकि इनको निरंतर संयोग रस मिला, विप्रयोग रस नहीं मिला। विरह का मतलब होता है मिलने की तीव्र इच्छा। एक बार मिलने के बाद जब पुनः ताप होता है हृदय में, जो पीड़ा होती है उसे वेदना कहा जाता है। और जहां पर अंतर्रमण होता है, प्रभु अपने नित्य लीला समेत गोपियों के अंतर में जब रमण करते हैं तो उसको, उस अवस्था को विप्रयोग कहा जाता है। यानी ये जो ब्रज में फंसी हुई जो थी उनको सायुज मिला, प्रभु की समीपता मिली, विरह था जिसके चलते। लेकिन जब जो गोपियां ब्रज में पहुंच चुकी थी, ठाकुर जी ने उनको जो विप्रयोग का रमण करवाया, जैसे प्रास पंचाध्याय में 5 प्रकार से रमण है, अभी मुझे उस विषय पर नहीं जाना है, लेकिन 5 प्रकार से भगवान ने गोपियों के साथ रमण किया। तो वहां पर अंतरहित हो गए ठाकुर जी, गोपियों के मद अंदर जो जागृत हुआ ये भी सब भगवत इच्छा ही थी, क्योंकि विप्रयोगम परम फलम, उनको विप्रयोग रस का अनुभव करवाना था। और जब प्रभु अंतरहित हो गए तो फिर वन वन गोपियां भटकती हुई, गोपी गीत जैसे कहा जाता है कि जैसे मनुष्य के जो सबसे मुख्य जो हृदय है वह सबसे मुख्य है, और हृदय के अंदर रही हुई धड़कन, उसी प्रकार से दशम स्कंद उसका हृदय, यानी भागवत दशम स्कंद हो उसका हृदय, और जो हृदय की जो धड़कन है वो क्या है, गोपी गीत। और वह गोपी गीत में विप्रयोग रमण की बात कही गई है, अंतःरमण हो रहा। एक गुजराती गजल शायद आपने सुनी होगी, मुझे उसकी तो लाइनें याद आ रही हैं। नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे। नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे छो एना करता पण, एक शब्द मुझे बड़े अच्छे प्रिय लगे। आप जो हो ठाकुर जी अकेले नहीं, उनकी लीला परिकर समेत विप्रयोग की अवस्था में उस जीव को अनुभव करवाते हैं। तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे, नयन ने बंद राखी। ये जो विप्रयोग है ये तो विप्रयोग का अनुभव होना, इसके लिए अलौकिक जो सामर्थ्य है वह रमण वह विरह हृदय में टिक सके, कहने के बोलो सेहण नो दूध हो तो सोना ना पात्र में टकी सके। तो आ तो अलौकिक रस, विप्रयोग रस ने जे आपणे वात करी रहा छे, तो एना माटे अलौकिक सामर्थ्य जोईए। अलौकिक सामर्थ्य के बिना यह विप्रयोग रस, जहां पे अंतर्ग्रहगता गोपियां भी सायुज्य को प्राप्त हो गई केवल, उनको भी अलौकिक सामर्थ्य नहीं मिला, वहां पे वर्तमान में हम सब जीवों पर कृपा कर श्री महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं, तनु नवत्व में तावता, वो अलौकिक सामर्थ्य तुमको आज भी अपने घर में श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है, अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व में, आपका सानिध्य निरंतर हमें प्राप्त होता रहे, वो परम रस मिल सके। यहाँ पे ये जो ब्रज की जो फंसी हुई उनको मोक्ष मिला, सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हुई क्योंकि संयोग का अनुभव है। और ये भी पुष्टि मर्यादा का संयोग हमने बात करी, जो ये जो मोक्ष है ये भी पुष्टि मर्यादा युक्त है, मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये जो कथा ये प्रसंग में आता है कि जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया तो परीक्षित जी को मन में प्रश्न उठा, कहने लगे कि कृष्णम बिंदु परं कांतम नतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासो गुण धियाम कथम। अरे हे महामुनि श्री सुखदेव जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गया गोपियों को घर में बैठे बैठे, लेकिन उनको तो भगवान में प्रियतम भाव था, उनको भगवान में ब्रह्म भाव तो था नहीं, और ब्रह्म भाव नहीं था इसलिए गोपियों की दृष्टि प्राकृत गुणों से दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में गोपियां मुक्त कैसे हुई, क्योंकि मर्यादा मार्ग में मुक्ति वो ज्ञान से प्राप्त होती है, और भक्ति मार्ग में ज्ञान और भक्ति दोनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन सुखदेव जी यहाँ पे परीक्षित जी कहते हैं, यहाँ गोपियों में न तो ज्ञान दिखाई दे रहा है न तो भक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ गोपियां कृष्ण को
जार भाव से भज रही हैं। और ये जार भाव से भजना, ये तो सगुण भक्ति कही जाती है। तो इसी सगुण भक्ति से उन गोपियों की मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है? प्रत्युत्तर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम एक्यम सोहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयताम हिते। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे मुक्ति के लिए शास्त्र में ज्ञान या भक्ति, ये दो साधन का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार से भगवत स्वरूप एवं उसका चिंतन भी, जो निस्साधन जीव हैं, जो दिनात्मा ऐसे निस्साधन जीव हैं, उनके लिए भी साधन कहा गया है। अतः भगवान को कैसा भी भजा जाए, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, कोई भी एक भाव से प्रभु को भजा जाए, प्रभु उसके मनोरथ पूर्ण करते ही हैं। तो कहने का प्रयोजन प्रियजनों, ये जो दुर्लभतम जो रति है, अलौकिक सामर्थ्य, यह तनु नवत्व के रूप में श्री यमुना जी प्रदान करती हैं। और जो हम बात कर रहे थे, ये जो तीसरा भी मैं आपको संक्षिप्त में, क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादा है, विस्तार इसका विषय का तो काफी हो सकता है। तो एक तो अलौकिक सामर्थ्य, दूसरी बात हमने सायुज्य मोक्ष की करी, सायुज्य की प्राप्ति, और तीसरा है प्रभु के लीला में साक्षात रूप से तो उनका अनुभव नहीं हुए, लेकिन लीला पयोगी देह वैकुंठादिशु, यूं श्री हरिराय महाप्रभु जी ने, श्री महाप्रभु जी ने भी यहां पे विवृत्ति में लिखा है कि वैकुंठादिशु अलौकिक देह की प्राप्ति। अब ये जो तीसरा है अलौकिक देह की प्राप्ति का मतलब, साक्षात रूप से भले उसको स्वरूप का अनुभव न हो, लेकिन परोक्ष रूप से, यानी लीला परिकर में कोई पशु के रूप में, कोई पंखी के रूप में ऐसा देह उसको मिलता है कि वह अंतर रमण करता है, ठाकुर जी के लीला का रमण वो मन में करता है, लेकिन साक्षात रूप से लीला में उस देह का विनियोग नहीं होता। जैसे वेणु गीत के अंदर ये भाव गोपियों ने बताया है कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद देव की सुत पदाम बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दृशान वपर तान्य समस्त सत्वम। तो जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं तो वह वेणुनाद के समय वहां पे मयूर आदि नृत्य करते हैं। तो ये जो नृत्य कर रहे हैं साक्षात रूप से भले वह लीला में उपयोगी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से ठाकुर जी की लीला का अनुभव वह अंतर रमण के द्वारा कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए पांचवें श्लोक में भी, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। वहां पे हिरनिया भी, वह हिरनिया भी विचित्र वेशम यानी ठाकुर जी के विचित्र वेश के दर्शन कर रही है। गोपियां कहती हैं कि जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं तो ये हिरनिया अपने पति के साथ, कृष्ण सार के साथ खड़ी होकर ठाकुर जी के वह मधुर सुंदर, जो मदरादि से पति श्री कृष्ण है, उनके दर्शन करती हैं, विचित्र वेश के दर्शन करती हैं। और तो और जब ठाकुर जी ये हिरनी को देखते हैं तो उसके नेत्र को देखकर ठाकुर जी को प्रिया जी की याद आ जाती है, क्योंकि स्वामी जी के नेत्र भी ऐसे हैं, मृग नयनी को यार नवद रसिया मृग ने। तो जब ठाकुर जी वह हिरनी के नेत्र देखते हैं तो उनको स्वामी जी की याद आ जाती है, तो यह लीला में उपयोगी हो जाती है। तो ये तो हमसे भी धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य, हमसे ज्यादा महद भाग्यशाली तो ब्रज की हिरनिया हैं, धन्य हैं, क्योंकि जो विचित्र वेश हम नहीं देख पा रही हैं वो हिरनियों ने देख लिया। कौन सा विचित्र वेश? कि हमारे सामने जब ठाकुर जी आते हैं तो हम तो मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है तो लोक कान को बीच में रखकर अलग अलग भारी श्रृंगार वस्त्र से आवरण में आप पधारते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रज में जब ये ग्वाल बाल ठाकुर जी को, जो यशोदा जी ने हीरा मोती माणिक के श्रृंगार धराए हैं, वो बड़े करके उष्णकालीन जब श्रृंगार धराते हैं, फूल की माला धराते हैं, मोरपंख धराते हैं, कर्णिकार के श्रृंगार जब ग्वाल बाल करते हैं, उस समय जब ठाकुर जी के श्रेयंग के जब श्रृंगार सब बड़े होते हैं, वस्त्र जब बड़े होते हैं, तो ये हिरनिया वहां खड़ी होकर टगर टगर ठाकुर जी के श्रेयंग को चरणारविंद से लेके मुखारविंद के स्वरूप का रस का पान करती हैं।
तो प्रभु के विचित्र वेश का दर्शन तो ये हिरनियों ने किया, और जब हमारे सामने आना होता है तो भारे भारे वस्त्र श्रृंगार धरा के आ जाते हैं, तो हमसे महद भाग्यशाली तो ये हिरनिया हैं कि ठाकुर जी के ये विशिष्ट प्रकार के दर्शन कर रही। तो ये जो यहाँ पे वेणु गीत में ये जो पशु पंखियों की जो बात कही गई, आगे वही सातवें श्लोक में भी आप देखिए, गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीत पीयूष मुत्पित कर्ण पुट ही पिबंत्य शावास्तु नस्तनपय कवलास्म तस्तुर गोविंद मात्मनि दृशा श्रकलास्प श्रकलास्प शंत्य। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तब गाय भी अपने कानों का दोना बनाकर प्रभु के वह वेणुनाद वह कृष्ण रस का पान करते हैं। उसी प्रकार से प्रायो बतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन कृष्ण क्षितम तदुतम कल वेणु गीतम आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान्यवाचः। प्रायो बतांब विहगो मनयो वनेस्मिन, ये वन में जो पंखी हैं जो घूमते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं तो शाखा पर वृक्ष पर बैठकर ऐसे मुनि के भांति मनयो वनेस्मिन, जैसे वन में मुनि ध्यान में बैठता है ऐसे ये पंखी भी शाखा पर शांति से बैठ जाते हैं और नेत्र को बंद करके ठाकुर जी के वह वेणुनाद का पान करते हैं। गोपियां कहती हैं ये जो पशु पंखी ये है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात कोई मुनि है, कि अब जाके इनको ठाकुर जी की लीला के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, यानी ये जो ब्रज के पशु पंखी, ये ब्रज की गाय, ये ब्रज के बंदर, हम गाते हैं अब तो मल्हार भी प्रारंभ हो रहा है रथ यात्रा से, अब कल रथ यात्रा है, मल्हार प्रारंभ हो जाता है, हम गाते हैं क्यों न भय हम मोर वृंदावन क्यों न भय हम मोर, भगवतियों ने बड़े अद्भुत भाव मल्हार में प्रकट किए हैं कि हम वो मोर क्यों न भय, कि ठाकुर जी की लीला परिकर का आनंद ले पाते हैं। तो ये अलौकिक देह जो की प्राप्ति, जो तीसरा फल सेवा के रूप में जो बताया है, सेवा में बताया है कि अलौकिक देह की प्राप्ति वैकुंठ आदिशु, वैकुंठ भी आदि भौतिक आध्यात्मिक एवं आदि दैविक तीन प्रकार के वैकुंठ बताए गए हैं। जहां ध्रुव जी को स्थान मिला वह आदि भौतिक वैकुंठ है, जहां पे रमा के साथ लक्ष्मी के साथ भगवान विराजते हैं वह आध्यात्मिक वैकुंठ है, जहां पे सनत कुमारों का प्रवेश है, और एक आदि दैविक वैकुंठ है प्रभु का गौलोक धाम ब्रज धाम। तो वो प्रभु के नित्य लीला धाम में अलौकिक देह के रूप में हमारा जन्म होता है। यानी विचार करिए कि ये सेवा के द्वारा श्री यमुना जी की कृपा से कितने अलौकिक फल, कितना अलौकिक भाव, एक तो अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति यानी तनुनवत्व की प्राप्ति, कहीं वो प्राप्त न भी हो तब भी सायुज्य की प्राप्ति, या तो लीला परिकर में उद्धव जी ने भी यही कहा ना, आशा महो चरण रेणु जुषा महंसा, मुझे कोई ब्रज की लता पता बना दो, ब्रज के कोई पशु पंखी बना दो, कि साक्षात रूप से ही नहीं तो चलो परोक्ष रूप से भी कहीं लीला का मुझे अनुभव हो जाए, दर्शन हो जाए। तो ये अलौकिक देह की प्राप्ति वैकुंठादिशु, उसकी प्राप्ति सेवा करते करते तत्सिद्धे वाली जो सेवा है, जब ऐसी सेवा जीव करते हैं तो उसे ये तीन अलौकिक फल की प्राप्ति यहाँ पे श्री आचार्य चरण बताते हैं कि उसको प्राप्त होती है। और ये जो श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के अंतर्गत भी जो ये बात कही, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व में तावता, यानी श्री यमुना जी कितनी परम कृपालु हैं, आप अधीश्वरी हैं, कि वह श्री यमुना जी की कृपा से वह अलौकिक सामर्थ्य तनु नवत्व की प्राप्ति, यानी बड़ा विशिष्ट अद्भुत भाव श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे, अद्भुत जो श्री यमुना जी का सामर्थ्य है, आपका स्वरूप है, उसका वर्णन यह श्लोक में किया। तो और हम पुष्टि मार्गी जीवों को क्या चाहिए, ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप का आनंद का अनुभव, उनके स्पर्श के आनंद का अनुभव ये तो बाकी है, अभी ये कहाँ हुआ। जैसे किसी ने हाथ में मोजे पहने हो, अब वो मोजे पहने हो तो कोई अपन उसको स्पर्श करें तो हमारा स्पर्श उसके त्वचा को नहीं होगा, हमारा स्पर्श उसके वस्त्र को होगा। उसी प्रकार से वैष्णव के घर में चित्र स्वरूप से मूर्ति स्वरूप से ठाकुर जी उसमें विराजते हैं, पधारते हैं कृपा करके, तो हमारा स्वरूप, हमारा जो स्पर्श है अभी ठाकुर जी को कहां हुआ,
ठाकुर जी तो वो चित्र स्वरूप में या मूर्ति स्वरूप में विराजे हैं, लेकिन जैसे मोजा पहना हुआ होता है तो स्पर्श नहीं हो पाता, उसी प्रकार से अभी भी सेवा करते हुए ठाकुर जी के जो स्वरूप स्पर्श का जो आनंद है, बाकी प्रभु का स्पर्श हो जाए, आप जो अभी रोज भले आपको स्पर्श नहीं हो रहा है, हम सेवा करते हैं ठाकुर जी को श्रृंगार धराते, रोज तो स्नान करा रहे हैं, रोज तो हमारा स्पर्श हो रहा है, भैया मैं ये बाह्य स्पर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो स्पर्श है याद करो, जो स्पर्श का आनंद रोम रोम पुलकित हो गए हमारे श्री कृष्ण भट्ट जी, जब श्रीनाथ जी की सेवा की गोसाई जी ने उनको आज्ञा दी, सेवा बड़े प्रेम भाव से तत्सुक के भाव से करते, वह कृष्ण भट्ट सेवा करते लेकिन कभी श्री जी के चरण स्पर्श नहीं किए, श्री जी बड़े उनसे प्रसन्न हो गए और एक बार कहा गई गोसाई जी को कि ये सेवा तो कर रहे है लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर रहे है, बड़े सेवा बड़ी अच्छी भांति से कर रहे है तो चरण स्पर्श कभी नहीं करे, आप बापू कहो कि वो मेरे चरण को स्पर्श करे। अब विचार करो क्या वो रोज सेवा करते थे, क्या स्पर्श नहीं हो रहा था, स्पर्श करे बिना सेवा कैसे हो पाएगी, लेकिन यहां पे देखो श्री जी क्या कह रहे, मेरे चरण स्पर्श नहीं कर रहे। और फिर गोसाई जी ने उनको बुलाया कृष्ण भट्ट सेवा कि प्रभु आपकी कृपा से हाथ पवित्र कर रहे हैं पर तेने चरण स्पर्श नहीं किए, तो कि नहीं मैं स्पर्श करके श्री जी बाबा को श्रम देना नहीं चाहूं, मैं अपने सुख के लिए ठाकुर जी को स्पर्श करना नहीं चाहूं, श्रम देना नहीं चाहूं, आप कृपा करके मुझको स्पर्श की आज्ञा करें तो मैं चरण स्पर्श करूं, आप सामने से आज्ञा करें। तो गोसाई जी उनकी भाव सुन के उनके वचन सुन के अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, कही कि अब तू जइयो श्री जी तुमको चरण स्पर्श देंगे। कृष्ण भट्ट इतने आनंद में सेवा में ठाकुर जी के श्री जी के सन्मुख में गए और अब तो चौकी साइड में पधराकर जहां पे यूं पीछे हो रहे थे वहीं पे आवाज आई कृष्ण भट्ट, और वो आवाज सुन के वहां पे तो श्री जी और ये दो जने ही थे और वो आवाज सुन के ही कानों में जैसे शब्द गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए कृष्ण भट्ट, कहां से ये आवाज आई, पीछे मुड़ के देखा तो श्री जी बाबा जो ठाड़े थे वो बैठ गए उनके सामने और अब चरणारविंद उनकी ओर करके आज्ञा करी कि ले कृष्ण भट्ट चरण को स्पर्श कर। और जहां ये श्री जी ने आज्ञा करी आंखों से भाव के अश्रु प्रेमाश्रु बहने लगे कि प्रभु की कितनी मुंह पे कृपा भई है, आए पास में आए चरण का स्पर्श किया और स्पर्श करते करते रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसे पुलकित हो रहे हैं। प्रियजनों वो जो स्पर्श का आनंद उनको मिला उसका ये जिह्वा क्या वर्णन कर सकती है, मेरा सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद का कुछ मैं विवेचन कर सकूं, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है। तो वो ठाकुर जी के स्वरूप का स्पर्श, ठाकुर जी के अधरामृत का पान, ठाकुर जी के लीला का दर्शन, ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन और ये करने का जो सामर्थ्य है, अलौकिक सामर्थ्य जो है, वह श्री यमुना जी की कृपा से उस जीव को प्राप्त होता है। और जब ये अलौकिक सामर्थ्य होता है तभी हमारे हृदय में मनोरथ प्रकट होते हैं, ठाकुर जी वो मनोरथ पूरा करने के लिए ही उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यानी जब कभी हमारे हृदय में मनोरथ प्रकट हो कि मैं ये करूं, इसका मतलब ये हुआ है कि वो अलौकिक सामर्थ्य श्री यमुना जी ने हमको प्रदान किया है। जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ब्रज में जाने का मन हो गया, ठाकुर जी के मैं आज ये श्रृंगार करूं, अब ये करूं, अब ये लाऊं, अब ये सजावट, ये जो मनोरथ जो भाव जागृत हो जाते हैं, तो ये भाव कब मनोरथ जागृत होते हैं कि जब सामर्थ्य हो तभी तो भाव जागृत होंगे, तो ये सामर्थ्य श्री यमुना जी प्रदान करते। ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेताम्। प्रियजनों शिवना जी की लीला स्वरूप अगाध है, ये एक रसना का सामर्थ्य नहीं कि आपके गुणानुवाद गा सके। यहाँ पे इसलिए लालना शब्द बड़ा अद्भुत भाव हमने आज जाना, आप सबने सुना होगा कि लालना की स्तुति हम आपकी क्या कर सकते हैं, बस केवल लालना, बस भाव आपके आगे नमामि केवल नमोस्तु यमुने सदा आपको वंदन ही कर सकते हैं। तो खूब खूब श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंड प्रणाम में करता हूँ और श्री यमुना जी के चरणों में यही अपन भाव रखें कि श्री यमुना जी की कृपा होगी तो ही ठाकुर जी के लीला परिकर समेत आनंद वह सामर्थ्य हम ग्रहण कर पाएंगे। तो श्री यमुना जी की कृपा हम सब पे सदा सर्वदा बनी हुई रहे और
यमुना जी की कृपा से ही सेवा में हम हाथ पवित्र करते रहें। ज्यादा न कहते हुए अब कल रथ यात्रा का भी उत्सव है, आपको मैं यह रथ यात्रा उत्सव की भी अग्रिम बधाई मैं आपको देता हूँ। खूब खूब उत्सव की बधाई। आप यह रथ यात्रा के उत्सव पे अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने प्रणाली का अनुसार और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार जो प्रकार से आप सेवा का क्रम पहुंच सकें, जो सामग्री विशिष्ट लिखी है वो हिसाब से आप अपने घर में क्रम अवश्य आप रखें और प्रभु को रथ में पधराएं। और ये रथ यात्रा का जो क्रम है, श्री जगन्नाथ जी भगवान ने ही श्री आचार्य जी को आज्ञा करी, आपके शायद पूर्व में कभी वांचन में आया हो, मैं आपको स्मरण कराऊं, जब श्री महाप्रभु जी भी जब आप जगदीश वहां पे पधारे और जगन्नाथ जी में जब पधारे वहां पे आपने शास्त्र विजय प्राप्त किया, जो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम जो श्लोक आदि जो पूरा प्रसंग आता है, तो आपकी वहां पे जब विजय हुई तब श्री जगन्नाथ जी ने ही श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि हम आप पे बड़े प्रसन्न हैं और आप हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी ऐसी आज्ञा है कि श्रीनाथ जी में भी आप ये तीन क्रम रखें। तो जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी जब सेवा श्रृंगार से श्री महाप्रभु जी पधार रहे थे कि पुष्टि मार्ग में भी तीन वस्तु को अंगीकार करावनी। ये एक तो रथ यात्रा का उत्सव, जैसे जगन्नाथ जी में तो रथ यात्रा का बड़ा धूमधाम से वहां पे गाजे बाजे के साथ उत्सव होता ही है, तो श्री जी में भी रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाए, इसी जगन्नाथ जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी। दूसरी आपने आज्ञा ये करी कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी में हमारे एकादशी नहीं हुई, तो श्री जी में भी एकादशी नहीं। और तीसरी जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी कि हमारे यहाँ पे शाक, हम यहाँ पे विशेष आरोग्य हैं, तो आप श्री जी में हूं शाक विशेष आरोग्यनो चाहिए। तो ये तीन चीजें, तीन आज्ञा जगन्नाथ जी ने श्री आचार्य जी को करी। तो इसी उन आज्ञा का अनुसंधान करते हुए सर्वप्रथम अड़ेल में सुंदर श्री महाप्रभु जी ने रथ सिद्ध करवाया और उसमें श्रीनाथ जी श्री नवनीत प्रिया जी को रथ में आपने पधराया, गाजे बाजे के साथ आपकी श्री नवनीत प्रिया जी की सवारी। श्रीनाथ जी के जो क्रम है उसमें वहां पे आगे केवल सन्मुख में रथ आता है, प्रिया जी रथ में विराजते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी में आप श्री रथ में नहीं विराजते, भाव स्वरूप से आप विराजते हैं, क्योंकि आप गोलोक के आप नायक हैं। वल्लभ कुल के घर में जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं वह यशोदोत्संग लाली नंदालय के भाव से विराज रहे, और श्रीनाथ जी वह गोलोक के स्वामी है, निकुंज नायक है। तो नंदालय में विविध भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी रथ में पधार कर गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए, तो इस ब्रज लीला के भाव को ध्यान में रखते हुए अपने पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी प्रणाली का अनुसार रथ में पधारते हैं। रथ यात्रा का उत्सव जैसे चंदन यात्रा है, अलग अलग यात्रा जो हमारे यहाँ पे बताई गई है, रथ यात्रा भी उसका एक विशिष्ट अंग है। तो रथ में श्री प्रभु को पधरा कर उत्सव आदि का यथा सामर्थ्य आप लोग क्रम करें और इसी दिन श्री महाप्रभु जी ने भी काशी में आपने आसुर व्यामोह लीला करी, इसलिए भी श्रीनाथ जी आप रथ में नहीं विराजते हैं, वो भी एक भाव भावना में शेहराय महाप्रभु जी ने भाव बताया है, क्योंकि इसी दिन ये तो आसुर व्यामोह लीला है। तो श्री महाप्रभु जी भी काशी में कितने दिनों का मौन धारण किया और फिर आपने यदा बहिर्मुखा अंतिम जो उपदेश अपने पुत्रों को अपने स्वजनों को देकर और आसुर व्यामोह लीला आसुरी जनों को मोहित करने के लिए यही रथ यात्रा के दिन आप यह जो आपका ये देह से जो साधारण जीव उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन भगवदियों को तो सदा ही श्री महाप्रभु जी के दर्शन होते रहे हैं और आज भी होते ही हैं। तो वो आसुर विमोह लीला का भी दिन, वह रथ यात्रा का दिन है, तो ये बड़े विशिष्ट दिन है। आप अपने घर में अपने ठाकुर जी के साथ इस उत्सव का आनंद लें और बस विशेष न कहते हुए सदा आप आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पुनः अगले शनिवार को जो भी सत्संग का आगे क्रम होगा उसमें हम पुनः मिलेंगे। तब तक शिवनाथ जी के चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम कर अपने वाक पुष्पों को शिवनाथ जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री राज धरण की श्री दर्शन कुमार राय प्यारे की जय। हवे आप सर्वे उपस्थित वैष्णवों ने जय जय श्री ने दंडवत प्रणाम नो लाभ मळशे, तो भावेश भाई ने हूँ विनंती करीश के उपस्थित तमाम वैष्णवों ने अनम्यूट करशे।
जय दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जय श्री दंडवत प्रणाम, जय जय दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रणाम जय श्री प्रणाम, प्रणाम जय दंडवत, जय दंडवत प्रणाम, संत रामा जी दंडवत, जय दंडवत प्रणाम, जय रोहित दास जी की दंडवत प्रणाम, जय दंडवत प्रणाम, जय जय दंडवत प्रणाम, जय जय राजकोट की दंडवत प्रणाम, जय जय दंडवत प्रणाम, जय दंडवत प्रणाम, चलो बना फिर हो जा दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभनख चंद्रछटाभिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आकले में जासू हो तमिरे, सूर कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के, दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। शिवल्लभ भाव